पीयूष की क्लास में आए हैं अभी, ये सारे पीयूष के दोस्त। और क्या हाल है? तो गाइज ये हैं मिस विजेता मैम, जिनसे मैंने सबसे ज़्यादा मार खाई है, सबसे ज़्यादा डंडे खाए हैं। तो मैम यही बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मार, सबसे ज़्यादा डंडे मैंने इसी में इन्हीं मैम से खाए हैं। मतलब जिस स्कूल से तुम पढ़े हो और उस स्कूल का हर बच्चा तुमको जानता है और सभी सभी देखते हैं, सभी सब्सक्राइबर है। ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो भी गाइज सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज आज हम जा रहे हैं हमारे पुराने घर हरियाणा। तो अभी हमें दिल्ली में हमारा प्लान बना कि चलते हैं, बिकॉज याद आ रही थी यार हरियाणा की, वहाँ के पुराने घर की, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, जहाँ से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है वहाँ के, और एक बैड न्यूज़ भी है आप लोगों को बताएंगे, वहाँ जाके बताऊँगा मैं आपको। तो चलते हैं, आज पूरा दिन वहीं घूमेंगे और वहीं खाना खाएंगे मस्त, हमारा पुराना खाना जो हम पहले खाते थे बचपन से। तो हाँ, सब सबकी बहुत याद आती है यार, तो चलते हैं मस्त। बट पहले सबको उठाना है, पीयूष को, साहिल को, शुभम को, निर्मलिया को, चारों को उठाना है, रेडी करना है, फिर जाएंगे। मैं तो रेडी हो गया सुबह सुबह मस्त, बट वो नहीं उठे अभी। पंखा बंद कर देता हूँ, अपने आप उठ जाएगा। पीयूषी गाड़ी में सो जाइए, चल। गुड मॉर्निंग, उठो उठो, हरियाणा नहीं जाना क्या? चलो चलो चलो, उठो ब्रो। सभी रेडी हो गया, सामान डालते हैं गाड़ी में और चलते हैं। तो अभी रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए यहाँ पे हवेली पे, और अभी पहुँच चुके हैं हम रोहतक। भाई इतना अच्छा लग रहा है ना, हरियाणा के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं अपने शहर हांसी में, और देखो भाई पूरा चेंज कर दिया है, यहाँ तो मस्त रोड बना दिया है। भाई हंसी मच गई यार, भाई भाई मजा आ गया यार। गाइस आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा, 4 साल पुराने व्लॉग में ये पार्क, और पीयूष इतना होता था, इतना सा, इतना। अब देखो कितना बड़ा हो गया। 4 साल पहले भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, पीयूष छोटा था और पीयूष इसको यूज ही नहीं कर पाता, पीयूष छोटा था ना। अरे मेरे तो इसमें पैर नहीं पहुँचते थे, इसे पैर भी नहीं पहुँचते थे। अब मेरे इसमें दोबारा पैर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि मेरे पैर बहुत बड़े हो गए। अंकल जी भूले तो नहीं? नहीं जी। पक्का? हम बचपन से आते, बताए 10-15 साल हो गए हमको। चलो मैं छोले भटूरे खिला दूँ। तो अभी सभी बैठ गए यहाँ पे, और देखो भाई नवीन भाई भी मिल गए। और क्या हालचाल? बढ़िया। पहली प्लेट आ चुकी है, इसमें छोले हैं, ये चटनी है, अचार है, हरी मिर्च है और प्याज है। हरियाणा आने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये खाने की, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि यही खाने आए हैं हम, है ना। मज़ा आया, मज़ा आ गया भाई, डिलीशियस। तो गाइस अब आ गए हैं छोले समोसे में। तो गाइस मैं छोले भटूरे खा के आ गए हैं, अब जा रहे हैं अपने घर पे। तो चल के देखते हैं क्या हाल है वहाँ का, हमारी गली का। गली में तो आ गए, बट यहाँ पे गाय बैठी है तो गाय को उठाना पड़ेगा, तभी निकल पाएंगे हम। पीयूष ये देख घर तोड़ दिया, गई इस घर में हम रहते थे। आगे कुत्ते के पिल्ले हैं। अबे ये आंटी क्या है क्या? गई सामने देखो, आंटी ओरियो की आंटी, आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा, है ओरियो वाली आंटी, वही है ना। वही तो है। उसके बच्चे उसी के क्या? उसी के बच्चे है, आंटी के बच्चे, आंटी के बच्चे थे। तो ये आ गई हमारी पार्किंग, यहाँ हम गाड़ी पार्क करते थे। देखो तो गाइस पहुंच चुके हैं अपनी गली में, और बैड न्यूज देने वाला हूं आपको, मैं बताऊं कब्जा हो चुका है। तो गाइस बैड न्यूज ये है, पापा जी ने ये घर बनाया था बहुत मेहनत से, मजदूरी कर करके, बहुत पैसे जोड़ जोड़ के, और उसके बाद हमारी जो YouTube की जर्नी है सब यहीं पर स्टार्ट हुई थी। तो अब मुझे कहना पड़ रहा है कि ये घर हमने बेच दिया है। तो हाँ ये बैड न्यूज है कि हमने घर बेच दिया, अब ये घर हमारा नहीं रहा। भैया अंदर आ सकते हैं हम? नहीं आ सकते भाई। अंदर आते ही देखो यहाँ पे स्टूडियो में बन चुकी है दुकान। भाई बच्चों देखो कैसे पतंग उड़ा रहे, भाई कितना डेंजरस है। अगर ध्यान हटका या तो पीछे करेगा या आगे करेगा। पीछे देखो, पीछे देखो यहाँ पे ईट ही ईट है, पीछे करेगा तो ईट के ऊपर करेगा। वो भी देखो, वो भी, हम भी बचपन में ऐसी हरकतें करते थे गाइस। तो गाइस अब ये घर हमारा नहीं रहा, हमने बेच दिया है, बिकॉज अब यहाँ तो रहते नहीं, हम उत्तराखंड रहते हैं ना, तो वहीं पर ही हमारा घर बन रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला बेच दिया, बिकॉज यहाँ आते भी नहीं है, साल में 1-2 बार आते हैं, तो ये घर रख के क्या करते, तो हमने बेच दी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सब पड़ोसी के घर पे सबसे मिलने के लिए, सबको प्रणाम करते हैं। तो अभी गाइस हम बैठे थे एक घर पे, और यहाँ पे देखो ऊपर ये जो पीओपी है ना, ये जो डिज़ाइन है ऊपर पीओपी का, ये पापा जी ने खुद बनाया अपने हाथों से, ये देखो। तो गाइस घूमते फिरते हम पहुँच चुके हैं अपने स्कूल के पास, तो दिखाते हैं आपको। ये रहा हमारा स्कूल, आनंद निकेतन पब्लिक स्कूल। छोटे वाले समोसे स्कूल में खाते थे हम। क्या क्या ले लिया ये? ओए ओए ये देखो गाइस, ये देखो चूरन, भाई ये मेरी फेवरेट थी, चालू भुजिया यार। तो गाइस अभी हम आए हैं हमारे स्कूल की कैंटीन पे, ये देखो। और देखो कैंटीन के सामने हमारा घर था यहाँ पे, जो कि टूट चुका है। पीयूष की क्लास में आए हैं अभी, ये सारे पीयूष के दोस्त। और गेम क्या हाल है? गेमिंग ही चल रहा है। अरे दाढ़ी मूंछ आ गई इसकी, दर्शक भाई, अरे दर्शक, शुभम सारे बड़े बड़े हो गए, राहुल सारे बड़े बड़े हो गए, ये थोड़ा रह गया, बट ये सभी 10th में है, पीयूष 9th में। अब रिपीट करी थी ना मैंने क्लास। तो अभी गाइस हम पूरा स्कूल घूम रहे हैं, सारे बच्चों से मिल रहे हैं, सारी क्लास के। तो चलो आपको मिलवाता हूँ।
तो गाइज ये है मिस विजेता मैम, जिनसे मैंने सबसे ज्यादा मार खाई है, सबसे ज्यादा डंडे खाए हैं। तो मैम यही बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मार, सबसे ज्यादा डंडे मैंने इन्हीं मैम से खाए। अच्छे से पढ़ाई करना सभी। देख लो डंडे खा के आज कहां पहुंचा ये। उसी का नतीजा है। हाँ। भैया भैया हो गई। तो अभी गाइस स्कूल से आ गए हैं, यहाँ पे हमको 2 घंटे लग गए, बिकॉज हर एक क्लास में जाके हर बच्चे से मिले, और इतना अच्छा लगता है ना भाई, मतलब जिस स्कूल से तुम पढ़े हो और उस स्कूल का हर बच्चा तुमको जानता है, और सभी सभी देखते हैं, सभी सब्सक्राइबर है, और जिन मैडम से मार खाई है वो सभी मैडम अप्रिशिएट करती है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है यार। और स्कूल टाइम पर ना हम ये खाते थे हमेशा, गाइस प्रिंसिपल मैम और सर ने हमको ये दिया, देखो ये अवार्ड दिया, मतलब स्कूल टाइम पे तो कभी मिला नहीं, बट स्कूल से जाने के बाद मिला है, तो थैंक यू मैम और सर। भैया टेस्ट भैया 10 साल पुराना, चलो देखते हैं भाई। वही है गाइज, यहाँ तो लग गई है भीड़, ये देखो बच्चे बच्चे। तो गाइज हम जा रहे हैं किले पे, भाई हम गर्मी में किले के ऊपर आए हैं, देखो हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये देखो हम यहाँ इतनी दूर, भाई क्या चल रहा है, इस पेड़ पे देखो, इस पेड़ पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, भाई कब्जा कर रखा है क्या, पूरे पेड़ पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, देखो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे झूले बना रखे हैं, बट क्यूट लग रहे हैं सभी, मेरे पेड़ भी सोच रहा होगा क्या कर रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे धूल हो रही है, धूल के ऊपर बैठ गए, कपड़े गंदे हो गए होंगे। तो भी गाइज हम आए हैं भरे हुए गोलगप्पे खाने के लिए, ये देखो गाइज आज फौजरे बैठे हैं पूरे 10 जने, हमारे क्लासमेट्स हैं निर्मल भाई, गोद में हड्डी करण, और अभी हम जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए, हमारा फेवरेट बर्गर। गाइस सारे गाड़ी से निकल गए, ये देखो भाई कितने सारे लग रहे हैं, भैया हम 10 और हमारे 10 बनाना। क्या कह रहा हूँ, तो गई जब हम आए हैं कांजी के बड़े खाने के लिए बरसी गेट पे, देखो ये बरसी गेट है, कांजी के बड़े आ गए हमारे मस्त, तो मस्त मस्त चीजें खाई हमने आज, सारी उल्टी पुल्टी चीजें खाई है बाहर की। अब जा रहे हैं घर सीधा दिल्ली, यहाँ से 3-4 घंटे लगेंगे हमको, मस्त रात को पहुंचेंगे हम 11-12 बजे तक। तो निकल गए यहाँ से दिल्ली के लिए, यहाँ से भाई अब दिखा रहे 4 घंटे भाई, 4 घंटे लगेंगे। तो गाइस फाइनली छोले भटूरे और छोले कुलचे खा के हम घर पहुंच चुके हैं, और टाइम देखो रात के 12 बजने वाले हैं, तो आज का दिन काफ़ी बेस्ट था, मैंने आपको बताया कि हमने अपना घर बेच दिया है, और वहाँ पे दोस्तों के साथ मिले, फुल मस्ती की, मस्त मस्त चीज़ें खाई। तो चलो फिर यार मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस पहुंच चुके ये देखो हमारी गली में, व्लॉग नहीं बना दे रहे हमको, अब उनको पता नहीं है ना ये हमारी गली है। तो गाइस यू स्टिल मेक मी वांट टू स्टे, यू आस्क मी टू बिलीव इन द वर्ड्स दैट